पॉइंट नंबर 12, आंसरिंग स्ट्रेटजी. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर बाय एलिमिनेशन. पहला फायदा ये है कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन एंड डक, दे विल मार्क द आंसर. ऑप्शन ए मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शन, यही मार्क कर दिया. ऑप्शन बी सी डी पढ़ा ही नहीं, और बाद में ओ अच्छा ऑल ऑफ द अबव भी था, ओ अच्छा ये तो बेटर आंसर है. नीट प्रोस्पेक्टस एंड आईएनआईसीटी प्रोस्पेक्टस टेल्स यू दैट यू हैव टू मार्क द बेस्ट आंसर, नॉट नेसेसरली द करेक्ट आंसर. ऑल कैन बी द करेक्ट आंसर्स, बट यू हैव टू मार्क द बेस्ट आंसर व्हिच इज द मोस्ट परफेक्ट फिट फॉर दैट क्वेश्चन. सो आंसर बाय एलिमिनेशन. आंसर बाय एलिमिनेशन क्या होता है? ऑप्शन ए ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ओके इट इज एलिमिनेटेड. ऑप्शन बी ये हो सकता है, हाँ ये तो हो सकता है, कीप इट असाइड. ऑप्शन सी ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं यार ये गलत लग रहा है, एलिमिनेटेड. ऑप्शन डी ये भी गलत लग रहा है, तो सारे एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बी छूट गया. सो बी शुड बी द आंसर.